हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सोशल मीडिया एंड यूट्यूब से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो फर्स्ट अपडेट है टोटल गेमिंग को लेकर, जो कि एक फ्री फायर स्ट्रीमर है। तो उनके चैनल पर 10 मिलियन काफ़ी टाइम के हो चुके हैं और आप देख ही सकते हो 20 मिलियन जल्दी हो जाएंगे। तो उन्हें अभी तक उनका डायमंड प्ले बटन नहीं मिला है। तो उसी के बारे में बात करते हुए देसी गेमर एक ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा, 10 मिलियन सब्सक्राइबर करके भी क्या फ़ायदा, 18 मिलियन होने के बावजूद अज्जू भाई को डायमंड प्ले बटन नहीं मिला, हैशटैग डायमंड प्ले फॉर टोटल गेमिंग। इसके बाद एक और यूट्यूबर रचित्र ने ट्वीट करते हुए बोला, यार ये गेमिंग क्रिएटर्स को डायमंड प्ले बटन नहीं मिल रहा है क्या? अज्जू भाई बताओ, ताऊ विधायक है हमारे, आप बताइए, 10 डायमंड प्ले बटन मिलेंगे। उसके बाद देसी गेमर एक और ट्वीट किए और वो ट्वीट में लिखे, इसको यूट्यूब 20 मिलियन में 2 भेज देगा। उसके बाद टोटल गेमिंग ने रीट्वीट करते हुए कहा, हाँ फिर मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चुप, बिल्कुल चुप, सॉरी 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 सॉरी। तो अब बात कर लेते हैं देसी गेमर के बारे में, जो कि एक फ्री फायर स्ट्रीमर है। तो रिसेंटली उनको एक बंदे ने ट्विटर पर टैग करते हुए कहा, तू नूब है। तो इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए देसी गेमर कुछ ये कहे, मुझे लगा मैं वर्ल्ड का नंबर वन प्लेयर हूँ, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। सुल्तान, अबे रुक, ए सुल्तान, ए ए ए क्या कर रहा है? अबे क्या हुआ? लगता है बे, अबे लग रहा है, ए छोड़, अबे अरे क्या बोलते हैं उनको, अरे न्योता देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में। तो कल उन्होंने इंस्टा स्टोरी में अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में इन्फॉर्म करते हुए बोले, हेलो एवरीवन, बहुत जल्दी भाई अपने मेन चैनल पे एक वीडियो आने वाली है, रियलिटी पे बेस्ड। बहुत सारे लोग ऑफेंड भी होंगे, खासकर लड़कियां, शायद मतलब अच्छी लड़कियां नहीं होंगी, फ्रेंड हो जाएंगी थोड़ी बहुत। तो भाई वीडियो को देखना बहुत जल्द है। अब कुछ लोग सोचेंगे फेमिनिस्ट के ऊपर वीडियो है, कुछ कहेंगे किसी के ऊपर, भाई देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेमिनिज्म के ऊपर वीडियो है, क्या पता ना हो सकता है, क्या पता ना हो, कुछ और हो, पर रियल लाइफ पे बेस्ड है सब। तो अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। तो अगली अपडेट भी एल्विश यादव को लेकर है। तो जैसा कि लास्ट मंथ एल्विश यादव का एक सॉन्ग रिलीज हुआ था उनके मेन चैनल पर, जिसका नाम था अपना गाओ। तो अब वो सॉन्ग आपको सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सुनने को मिल जाएगा। तो इसी के बारे में बात करते हुए एल्विश यादव ने अपनी इंस्टा स्टोरी में कहा, अपना गाना हर प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, JioSaavn, Spotify, जितने भी एप्पल म्यूजिक और ये इंस्टाग्राम पे म्यूजिक, उसमें अपना गाओ सर्च करना और सब आ जाएगा। बनाओ रील्स, बनाओ वीडियोस, बनाओ सब चीज बनाओ, मजा आ गया। तो अब बात कर लेते हैं KGF चैप्टर 2 के बारे में। तो जैसा कि KGF चैप्टर 2 के लॉन्च के 2 दिन हो चुके हैं, तो टीजर ने कर लिए 2 दिन में ही 100 मिलियन व्यूज क्रॉस। तो KGF चैप्टर 2 के टीजर को लेकर एक अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। तो जो KGF चैप्टर 2 का टीजर था वो लीक हो गया था। तो जो इसकी रिलीज डेट थी वो 8th of January थी, लेकिन किसी ने इसको 7th of January को ही लीक कर दिया था। तो इसी को लेकर एक्टर यश कुछ ये कहे, इनिशियली आवर प्लान वाज टू रिलीज अ टीजर अराउंड 10:18 AM टुमारो ऑन मुंबई पेज, but few people have leaked it. I don't know what fun they get. It's okay, it's all part of the game. All I would want to tell them is तो अब बात कर लेते हैं YouTube पर चल रही कुछ कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी भाऊ और एकता कपूर को लेकर। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले एकता कपूर और हिंदुस्तानी भाऊ के बीच में क्या कंट्रोवर्सी हुई, इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो कुछ दिनों पहले एकता कपूर का अल्ट बालाजी पर एक वेब सीरीज आया था, तो उसको लेकर हिंदुस्तानी भाऊ ने एकता कपूर पर पुलिस केस कर दिया था। तो हिंदुस्तानी भाऊ ने केस इसलिए किया था क्योंकि उस वेब सीरीज में हमारी इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म को डिसरिस्पेक्ट करते हुए दिखाया गया था। तो उस टाइम से लेकर अभी तक हिंदुस्तानी भाऊ और एकता कपूर के बीच में वो वाला कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो अभी रिसेंटली हिंदुस्तानी भाऊ अपने इंस्टाग्राम पर 2 IGTV वीडियो अपलोड किए। तो उन्होंने उन वीडियोस में एकता कपूर के बारे में बात करते हुए बताया कि एकता कपूर ने उनके ऊपर एंड एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के ऊपर पुलिस केस कर दिया है। तो मैं हिंदुस्तानी भाऊ के दोनों IGTV वीडियो का छोटा सा पार्ट आपको दिखा देता हूँ। उसके खिलाफ FIR के लिए जो भाग रहा था यहाँ वहाँ, वैसे ही उस वक्त मैं एक रिटायर आर्मी ऑफिसर के साथ उसकी मदद करने चेंबूर पुलिस स्टेशन गया था। वो चाहता था कि उनका जो वर्दी का अपमान हुआ है, यूनिफॉर्म का अपमान हुआ है, जिसके लिए कड़ी सी कड़ी कार्रवाई वो एकता कपूर के ऊपर हो, इसके लिए मैं उनका साथ चेंबूर पुलिस स्टेशन गया था। कार्रवाई तो नहीं हुई उनके ऊपर, एकता कपूर के ऊपर कार्रवाई तो नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ,
एक तो वो आर्मी ऑफिसर, उसके ऊपर केस बना, और एक केस ये अभी मेरे पे बना। ये मुझे अभी आया है चेंबूर पुलिस स्टेशन से लेटर कि आपके ऊपर गुनाह दाखिल हो गया है करके, केस बन गई है आपके ऊपर, तो आपको चेंबूर पुलिस स्टेशन आना है। जाके आया मैं पुलिस स्टेशन, वहां पे सीनियर पीआई शालिनी शर्मा मैडम है जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वहां पुलिस स्टेशन के सारे ऑफिसर छोटे से बड़े सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरी लड़ाई यूनिफॉर्म के लिए, तो बात उनको समझ में आई कि भाऊ ये यूनिफॉर्म के लिए, हमारे यूनिफॉर्म के लिए लड़ रहा है, जिसके वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो अगर आपको वीडियो को पूरा देखना है तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी अगली अपडेट है संदीप महेश्वरी एंड इल्यूमिनाटी शो को लेकर। तो द इल्यूमिनाटी शो कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए, तो उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्हें संदीप महेश्वरी के मैनेजर की तरफ से एक ईमेल आया है जिसमें लिखा था कि द इल्यूमिनाटी शो ने एक वीडियो में संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट में कुछ बोला है, तो इसको लेकर द इल्यूमिनाटी शो पर एक लीगल एक्शन लिया जाएगा संदीप महेश्वरी की टीम की तरफ से। तो मैं आप लोग को द इल्यूमिनाटी शो के वो वाले वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखा देता हूं। अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल रात जब मैंने अपना मेल चेक किया, उसमें मुझे एक मेल आया इंग्लिश में। जब मैंने उस मेल को पढ़ा, मैंने उस मेल में देखा कि किसी ने मेंशन किया है कि हम संदीप महेश्वरी के मैनेजर हैं और आपने संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट कुछ बोला है अपने वीडियो में, इसलिए आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस थोड़ी मोड़ी देख लेते हैं कभी गलती से भी हो, तो उनको अच्छी तरह मालूम है मैंने संदीप महेश्वरी के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे कि उनको एक्शन लेना पड़े मेरे अगेंस्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।